देश के इतिहास में पहली बार हथियार सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपी एक बिचौलिए को विदेश से पकड़ करके भारत लाया गया है। वरना विदेशी बिचौलियों के लिए तो पहले जहाज तैयार रहते थे उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए। साथियों, इस राजदार से जांच एजेंसियां तो कानूनी दायरे में पूछताछ कर रही है, लेकिन मीडिया में भी रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। हाल में जो खुलासा हुआ है उससे स्पष्ट है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर घोटाले की नहीं बल्कि लड़ाकू विमान वाली डील में भी खेल हुआ था। अब धीरे धीरे परतें खुल रही है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि आज कांग्रेस के नेता इसलिए शोर कर रहे हैं, बिचौलिए के बचाव के लिए इसलिए वकील पहुंच जाते हैं, भेजे जा रहे हैं। अखबारों में आ रहा है कि पहले की सरकार के समय लड़ाकू विमानों की डील इसलिए रुक गई थी क्योंकि यही बिचौलिया दूसरी कंपनी के हवाई जहाज के लिए माहौल बना रहा था। भाइयों और बहनों, इनकी पोल खुल रही है तो ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। अपने इकोसिस्टम की मदद से साजिशों पर उतर आए हैं। ये चाहे जितना गाली दें, झूठ बोले, चौकीदार रुकने वाला नहीं। चौकीदार रुकने वाला नहीं है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। चोर चाहे देश में हो या फिर विदेश में, ये चौकीदार एक को भी छोड़ने वाला नहीं। साथियों, जब संसद में राफेल विमान पर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान हमारे एक साथी ने बहुत ही आसान शब्दों में इसका जवाब दिया था। गांव की भाषा में, किसान की भाषा में समझाते उसने कहा था कि टाट की बोरी का उदाहरण दिया था उसने, और बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया था, ये यूट्यूब पर भी बड़ा वायरल हुआ है। उसने कहा, अगर हम टाट की खाली बोरी खरीदने जाएं तो उसकी कीमत कम होगी, 15 रुपया 20 रुपया खाली बोरी की इतनी ही कीमत होती है, लेकिन अगर हम उसी बोरी में चावल भर दें तो एक दाम होता है, अगर उस बोरी में गेहूं भर दें तो कीमत बदल जाती है। अब वो हो जाएगी 1,500 की 2,000 की। भाइयों और बहनों, कोई कम पढ़ा लिखा भी हो तो इस अंतर को आसानी से समझ सकता है, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता, उसे समझाया नहीं जा सकता। पुरानी कहावत है कि सोते हुए को उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का बहाना बना रहा है, उठना ही नहीं चाहता हो तो उसे जगाया नहीं जा सकता।